दोस्तों, आज की एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यूपी शिक्षकों के लिए खुशखबरी, अब बिना टीईटी के मिलेगा प्रमोशन। तो आइए इसको डिटेल में जानें। प्रयागराज से ये खबर आई है, शिक्षक पात्रता परीक्षा का सर्टिफिकेट ना होने के कारण प्रमोशन से वंचित टीचरों के लिए खुशखबरी है, अब बिना टीईटी पास किए ही उन्हें प्रमोशन मिलेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टीचरों के हित में फैसला सुनाते हुए कहा है कि प्रमोशन के लिए टीईटी पास होना अनिवार्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले को विस्तार देते हुए कहा है कि अगर प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षक को उच्च प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त किया जाना है तो इसमें टीईटी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। प्रमोशन टीईटी योग्यता न होने के आधार पर नहीं रोका जा सकता। हालांकि हाईकोर्ट ने यह आदेश वर्ष 2010 से पहले चयनित अभ्यर्थियों को ही लाभान्वित करेगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 13 जनवरी तक पूरी डिटेल मानी गई है कि कितने जनपद में कितनी सीट की आवश्यकता है। अब ये सरकार को फैसला लेना है कि किस आधार पर वो टीईटी लेता है या बिना टीईटी करता है, क्योंकि फिर ये कोर्ट में चीज़ें चली जाएंगी। अब देखिए पूरा मामला, आइए हम लोग समझे पूरा मामला था क्या। आखिर क्या है मामला? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षक ओम प्रकाश त्रिपाठी ने 10 वर्ष से अधिक समय का अध्यापन अनुभव प्राप्त कर लिया था और उन्हें प्रमोशन देकर उच्च प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त किया जाना था, लेकिन बीएससी प्रतापगढ़ ने ओम प्रकाश का प्रमोशन रोक दिया और प्रमोशन रोकने का कारण बताया गया कि ओम प्रकाश ने टीईटी नहीं पास की और वर्तमान नियमावली में यह स्पष्ट है कि प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रमोशन होकर नियुक्ति पाने का हकदार वह होगा जिसने टीईटी पास किया हो और कम से कम 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव हो। चूंकि ओम प्रकाश ने टीईटी पास नहीं की है इसलिए यह प्रमोशन के लिए अहर नहीं है। अब देखिए टीईटी ये नहीं थे लेकिन ये कोर्ट गए। इसी मामले में ओम प्रकाश ने बीएससी प्रतापगढ़ के प्रमोशन रोके जाने के आदेश को चैलेंज किया, जिसमें हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 2010 से पहले चयनित अभ्यर्थियों के प्रमोशन में टीईटी पास करने की अनिवार्यता को खारिज कर दिया। साथ ही साथ ओम प्रकाश को प्रमोशन दिए जाने के लिए बीएससी को निर्देशित किया है। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्योंकि 10 साल पहले से सर्विस कर रहे थे ना, जो अभी जिनके 3 वर्ष हुए हैं या 5 वर्ष हुए हैं, मुझे ये लग रहा है कि ये टीईटी इस बार नहीं होगा, इस बार के प्रमोशन में टीईटी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप पे भी लागू होगा जो वो नए शिक्षक है अभी जिनको कम समय हुआ। हाई कोर्ट ने देखिए क्या कहा, ये पूरा डिटेल में जाने। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को शिक्षक नियमावली से अवगत कराया गया और पूर्व में प्रमोशन की प्रक्रिया वर्तमान नियम में बदलाव की जानकारी दी गई। कोर्ट को बताया गया कि पूर्व में टीईटी जैसी कोई प्रक्रिया मौजूद ही नहीं थी, ऐसे में तत्कालीन अभ्यर्थी ने टीईटी में बैठने और पास करने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में टीईटी कि अनिवार्यता लागू होने से पहले चयनितों को नियमतः प्रमोशन का लाभ मिलना चाहिए। हाई कोर्ट ने दलीलों और नियमावली के अवलोकन के बाद प्रतापगढ़ बीएससी के प्रमोशन नियुक्ति रोकने का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने पाया कि टीईटी की अनिवार्यता वर्ष 2010 में लागू हुई है, ऐसे में उससे पहले टीचर बनने वाले अभ्यर्थी को प्रमोशन नियुक्ति देना सही नहीं है। हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि टीईटी की अनिवार्यता इसके लागू होने से पहले की समयावधि में चयनित शिक्षकों पर लागू नहीं की जा सकती। तो जिन्होंने भी 2010 से पहले का किया है वो एकदम निश्चिंत हो जाएं, ठीक है। ऐसे में बिना टीईटी पास किए 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव के आधार पर 2010 से पहले चयनित टीचर को प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति दी जा सकती है। फिलहाल यह इस आदेश का लाभ बड़ी संख्या में पूर्व में चयनित शिक्षक उठा सकेंगे। बहुत संशय हो रहा था जो भी, क्योंकि कई जगह तो 16-17 साल से प्रमोशन नहीं हुआ है, तो लोग डर रहे थे कि कहीं टीईटी मांग लिया गया तब क्या होगा, हमारा तो प्रमोशन नहीं हो पाएगा। अब उनका ये डर खत्म हो गया है। थैंक यू दोस्तों।